इन साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन, सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों को अपने घर नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बढ़िया सा सेशन अपना चलता है हिंदी साहित्य का रोज रात्रि 9 बजे, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, है ना। दो बात आप मुझसे कहते हो, हम आपसे कहते हैं, क्या बनी रहती है? चीन चिनार बनी रहती है, पहचान बनी रहती है रविशंकर जी, ठीक है। चलिए, तो जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं, ट्रिकी नोट्स अपने घर पे मंगवा सकते हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिनको भी एडमिशन लेना है 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं, पंजाब मास्टर कैडर वाले ये मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं दोस्तों, आप मॉडल पेपर मात्र 599 में, ठीक है। और ये 10,000 क्वेश्चन की दोस्तों टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण वाली, तो ये 10,000 क्वेश्चन मात्र 599 हिंदी साहित्य के 10,000 क्वेश्चन इस सीरीज में आप भाग ले सकते हो और पूरे 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस शीट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, सभी लोग तैयार हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सभी लोगों को बताना है शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है, बताओ शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है। तो चयन करें फटाफट से और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दें, जल्दी से लाइक करें सभी लोग फटाफट। शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं या फिर शरहपाद हैं। तो सभी लोगों ने आंसर लगा दिया कि सर शब्दानुशासन के जो लेखक हैं हेमचंद्र लगा दो, हेमचंद्र यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर बिल्कुल सही है, हेमचंद्र आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, जल्दी से बताइए पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य या हित हरिवंश ने। तो ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लो सभी लोग, ठीक है, और अध्ययन चालू कर दो। 1500 में 12 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य, निरंतर अध्ययन करना है दोस्तों, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, अध्ययन अपन को निरंतर करना है, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि सर वल्लभाचार्य ने। पुष्टि हमें काय से करवाना है, बल से, पुष्टि हमें बल से करवाना, तो वल्लभाचार्य। अर्थछाप की स्थापना किसने की थी, 3 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थछाप की स्थापना किसने की थी, मध्वाचार्य ने, विट्ठल नाथ ने, वल्लभाचार्य ने या फिर सूरदास ने। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, कब की थी, ये भी आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे यहां पर। अष्टछाप की स्थापना के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है अपने घर पर मंगवा सकते हो। अष्टछाप की स्थापना जो की थी वो की थी किसने, विट्ठल नाथ ने। आपने जनता जनार्दन ने उत्तर बी नंबर लगा दिया, बिल्कुल सही आंसर आ गया, ठीक है। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, बताया है क्वेश्चन की 1565 में की थी, 1565 में, वेरी गुड आंसर। कविता कौमोदी ये किसका काव्य संग्रह, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कविता कौमोदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। एकमात्र कौमोदी, कौमोदी करके एक कहानी है, किसी ने अगर पढ़ी है तो बताएंगे, एक कौमोदी कहानी है दोस्तों, कौमोदी करके कहानी है किसकी है बताओ, कौमोदी कहानी किसकी है, कौमोदी कहानी किसकी है और कविता कौमोदी ये किसका काव्य संग्रह है। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको जल्दी से उत्तर बताना है, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना है। कविता कौमोदी किसका काव्य संग्रह है, तब आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको कौमोदी बताना है, कौमोदी के रचनाकार कौन है, कौमोदी एक किसकी रचना है, कौमोदी किसकी रचना है बताइए 4 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका सीधा आंसर चला एक कौमोदी कहानी बताना है, बी नंबर तो आपका बिल्कुल सही है। सुनीता दीपिका जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने,
लखविंदर जी की सर। कौमोदी जो है वो है किसकी, कौमोदी कहानी है किसकी है, शिवरानी देवी। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है, रेखा चित्र संग्रह पूछा है इसलिए संग्रह ही बताना। सुमन ऑफिशियल जी बताइए, अनीता जी, सेलू सिंह जी, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा माना जाता है, पांच नंबर के क्वेश्चन में है। और पांच नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या जा रहा है यहाँ पर बताओ जल्दी से। जसबीर जी, गीता देवी जी, गुरप्रीत जी, एस एन गौतम जी, पांच नंबर के क्वेश्चन में हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है, रेखा चित्र संग्रह बताना है, चयन करना है। नमन प्रीत जी, अमिता जी, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है, और उत्तर चला जाता कि सर ये नंबर लगा दो, पद्म पराग लगा दो। ये आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका पद्म पराग बिल्कुल सही है, ठीक है। पद्म पराग के रचनाकार कौन है ये भी बताइए, बताना रचनाकार, बताओ जल्दी से। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत मारेंगे यहाँ पर। पुष्पा जी बताइए, कमलाकांत, बीनू, सरोज जी, राजकुमारी जी, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग गलत मारेंगे यहाँ पर। देखते हैं जनता जनार्दन कहाँ जा रही है, पूनम सैनी जी बताइए, राखी जी, नीतू गुप्ता जी, सीताराम जी बताएं, चयन करना। रश्मि जी, वेंकट जी, विनीता जी, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है, छः नंबर के क्वेश्चन में। और छः नंबर में आपका जो उत्तर जा रहा है कि बंगाल का अकाल, यानी कि देखो बहुत सारे लोग बी में लगा रहे हैं, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश चंद गुप्त। देखो यहाँ पर रेखा त्रिपाठी जी, यहाँ पर ये नंबर प्रकाश चंद गुप्त सही है, ठीक है। ये बंगाल का अकाल जो रिपोर्टाज अरुण राजपूत जी भी बी लगा रहे हैं, आपका उत्तर है ये नंबर कौन, प्रकाश चंद गुप्त। देखो सृष्टि ठाकुर जी बी नंबर लगा रही, बहुत बढ़िया। सुनील कुमार जी बी लगा दो, वेरी गुड, और लगा दो, किसको लगाना बी, लाइन से बी लगा रहे हैं लोग, जबकि ये नंबर है बंगाल का अकाल, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो, कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है, कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है बताइए। राशिद कुरैसी जी, वीरेंद्र जी, कहानी, आत्मकथा या कविता या निबंध, कस्तूरी कुंडल बसे इसकी विधा बताना है, इसकी विधा क्या है। बीनू सरोज जी बताइए, बताइए जल्दी से राइट आंसर, कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है, कहानी, आत्मकथा, कविता या फिर निबंध है, क्या है। जनता जनार्दन कहां जा रही, जनता जनार्दन कस्तूरी कुंडल बसे ये माना जाता है आत्मकथा, ठीक है। और ये आत्मकथा किसकी है, कस्तूरी कुंडल बसे, ये भी बता दो। बी नंबर तो आपका सही है, किसकी आत्मकथा, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। यहां पर भी कई लोग गलत मारेंगे, देखते हैं कौन कौन गलत मार रहा है। सही आंसर चयन करना है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, एक अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक कर दो सभी साथी, शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक, ठीक है। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका निरंतर अध्ययन आपको लगाना है। हिंदी का प्रथम जो दैनिक समाचार पत्र है वो समाचार पत्र कौन सा है, और आपने उत्तर लगा दिया कि सर वो है कौन सा, बी नंबर। देखो कुछ लोग ए नंबर लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं कुछ लोग, जबकि आपका ये समाचार सुधा वर्षण जो है ये बी नंबर सही है। ये हिंदी का प्रथम दैनिक पूछा, दैनिक समाचार सुधा वर्षण, श्याम सुंदर सेन जो थे इसके संपादक थे, किसके, समाचार सुधा वर्षण, ठीक है। 1854 में इसका प्रकाशन हुआ था। उदंत मार्तंड ये प्रथम था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, लेकिन ये साप्ताहिक था, कई बार मैंने आपको बताया साप्ताहिक था ये, ठीक है। अगला देखो, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, 9 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी बताना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी बताना है कि कब बने हैं, बताइए यहाँ पर सभी लोग बताएं। सरस्वती पत्रिका के साहित्य सभी लोग बताएंगे, पीजीटी पीएचडी में आया था ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, संस्थापक पूछा है आपसे, संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी, चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, देवी प्रसाद, 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। मुकेश जी बताइए,
और सरस्वती पत्रिका जो कि 1900 ईस्वी में निकली थी, कब निकली थी, 1900 में निकली थी। और आपको पता है कि 1900 ईस्वी से भारत द्विवेदी युग की शुरुआत और भारतेंदु युग का अंत माना जाता है 1900 में, ठीक है। तो आपको सरस्वती पत्रिका के संस्थापक पूछा, फिर गलत लगाएंगे बहुत सारे लोग, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया, कुछ लोगों ने बी लगा दिया और कुछ लोगों ने लगा दिया क्या क्या लगा दिया, ठीक है, गड़बड़ किया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन आपका उत्तर बी नंबर है। संस्थापक पूछा है, तो संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे चिंतामणि घोष। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे, कब बने थे, 1903 में बने थे, तीन में बने थे, ठीक है। और श्याम सुंदर दास इसके पहले संपादक थे, पहले संपादक थे। और देवी प्रसाद ये दोस्तों 1920 में, जब दोस्तों इनका कार्यकाल खत्म हो गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उसके बाद बने थे कौन, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद बन गए थे, ठीक है। तो ये कहानी है सरस्वती पत्रिका की, ठीक है। प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, 10 नंबर का प्रश्न है। प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है, राम भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, ज्ञान मार्गी या फिर प्रेम मार्गी शाखा से है, जल्दी से बताओ। आप सभी साथी 1500 में 15 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, 1500 में 15 महीने के लिए। जिनको भी लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो है राम भक्ति शाखा, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, श्वेता जी बताइए, सभी लोगों को आंसर बताना है, बिल्कुल। एडीएक्स जी बताइए, बीनू जी, संध्या गुप्ता जी, राजकुमारी जी, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 11 नंबर के क्वेश्चन में लाइक भी करना है, 11 नंबर का उत्तर बताना है, और किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत को, यानी कि आपका जो सी नंबर है सुमित्रा नंदन पंत, ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने किसने कहा है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो जल्दी से बताइए, जसवीर जी सभी लोग बताएंगे यहां पर फटाफट से। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं साथियों, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें। 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने किया, बोले सर उपनिषद पढ़ने से तो शांति मिलती है, शांति मिलती है तो शांति प्रिय द्विवेदी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है, ठंडा लोहा कविता के रचनाकार आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे, और क्लिक करते हुए लाइक करते हुए शेयर जरूर किया करें। ठंडा लोहा ये जो कविता है इस कविता के रचनाकार कौन है, रचनाकार ही तो पूछा है आप लोगों से, तो देखते हैं कौन कौन सही टिक मारता है यहां पर, है ना। प्ले स्टोर में जाइए सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ठंडा लोहा कविता, इसके रचनाकार बोले ठंडा लोहा भी ठंडा हो जाता है सर, धर्म की शरण में आते ही लोहा भी ठंडा हो जाता है, ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है। आत्मजय के रचनाकार कौन है, आत्मजय के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर कुंवर नारायण। 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, लाइक करना है, आत्मजय के रचनाकार कौन है ये बताना है, धर्मवीर भारती हैं, दुष्यंत कुमार हैं, नरेश मेहता हैं या फिर कुंवर नारायण हैं। तो चयन करिए और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को, और 14 नंबर के क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुंवर नारायण, यानी कि डी नंबर, आत्मजयी होते हैं। कुंवर लोग कैसे होते हैं, बोले सर कुंवर लोग तो रामदयाल जी आत्मजयी होते हैं,
डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लाइक कर दो जल्दी से। पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पर्ण दत्त प्रसाद के बारे में आपने पढ़ा है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रेमचंद पाल जी, है ना, और प्रसाद के बारे में पढ़ा, 1889 में जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद को ईला चंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक माना, ठीक है। और पर्ण दत्त प्रसाद के किस नाटक का पात्र माना जाता है, ये आपको चयन करना है। रजनी बाला जी जल्दी से बताइए, माया राम जी, पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, ममता जी, और 15 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर जा रहा कि सर स्कंद गुप्त नाटक बी नंबर, जिन्होंने भी लगा। स्कंद गुप्त नाटक का रचना काल क्या है, नीतू गुप्ता जी बताइए। जसमेल जी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है, 16 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के फूल बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, विद्यानिवास मिश्र है, कुबेरनाथ राय है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है, श्वेता जी चयन करिए, रिया वारा जी, कमलाकांत जी बताइए, विजेंद्र जी, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। और बोले सर अशोक में फूल फूलेंगे, एक फूल फूलेगा क्या, बोले नहीं, तो कितने, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है, नीला चांद कई बार पूछा गया आप लोगों से, आपको चयन भी करना है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। इतना अच्छा क्वेश्चन और कई बार पूछा भी गया है, तो पीछे नहीं हटना अपन को, पीछे किसी भी साथी को नहीं हटना है और उत्तर बता देना है। नीला चांद उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है, रचनाकार आपको बताना है और उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे, रांगे राघव है, सुरेंद्र वर्मा है, शैलेश मटियानी है। देखते हैं 17 नंबर का उत्तर कौन कौन सही लगा था। देखो बहुत सारे लोग, कुछ लोग बी लगा रहे हैं, कुछ लोग सी लगा रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। पता चल रहा है कि तुक्का कितने मार रहे हैं, है ना, और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने वास्तव में सही उत्तर बताया कि सर डी नंबर लगा दो, है ना, ये शिव प्रसाद का उपन्यास है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। डी जिन्होंने लगाया उनका सही है, बी वाले जो तुक्का वाले थे वो बह गए धारों धार। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का ये उपन्यास माना जाता है 17 नंबर में, यहाँ पर विकल्प में नहीं है, तो विकल्प आपका डी सही है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा, जागरण सुधार काल 18 नंबर का क्वेश्चन है, जागरण सुधार काल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और कई बार हम पढ़ा भी चुके हैं, ट्रिक भी बता चुके हैं कि अगर आपके घर में मंजू यादव जी लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड चल रहा है क्या, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है, तो यहां पर जागरण सुधार काल, और जागरण सुधार काल आपको पता होनी चाहिए कि आपके घर में अगर नांग घुस जाए, नांग देवता, तो आप जागरण करेंगे कि सो जाएंगे, अरे बोले नींद ही नहीं आएगी सर, है ना, तो नगेंद्र ने कहा था, यानी बी नंबर नगेंद्र आपका सही है। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन सा है बताइए, हीरो होंडा जी, उर्मिला देवी जी, सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है या फिर नहीं है, 19 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको पता है प्रेमचंद तो नहीं है, रेणु जी नहीं है, नागार्जुन नहीं है, फिर उत्तर कहां चला जाता है, बोले सर डॉक्टर देवराज हैं, डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र कुमार, है ना, ईला चंद्र जोशी, और दोस्तों ईला चंद्र जोशी के अलावा अज्ञे ये कैसे माने जाते हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। बाकी शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एकमात्र उपन्यास 20 नंबर का क्वेश्चन है बीनू जी बताइए, यहाँ पर डीके अंबेडकर जी, शिव पूजन सहाय का एकमात्र कौन सा उपन्यास है, और वो एकमात्र है इसलिए पूछा भी जाता है पूर्वी जी,
ठीक है। तो बताइए यहां पर सुमन, संदीप जी, ज्योति जी, दीपिका शुक्ला जी, 20 नंबर का क्वेश्चन है। कार्तिक सिंह जी, अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर करें, शेयर करें। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है 20 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, देहाती दुनिया आपका राइट आंसर है। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया आपका राइट आंसर है। कौन सा भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास उपन्यास नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब आपको बताना कि कौन सा भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपन। बताओ प्रदीप शर्मा जी, यहां पर क्या राइट आंसर लगाओगे? जनता जनार्दन कहां जा रही है? प्रेम सिंह जी, विश्वास, मधु जी, सभी लोग बताना है, जल्दी बताओ क्या है यहां पर, जल्दी जल्दी से बताना है ना। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना। तो इसको अपन को याद रख लेना है कि मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो यहां पर भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? तमस है, झूठा सच है, आधा गांव भी है, ये सीधी सच्ची बातें नहीं है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है 22 नंबर के क्वेश्चन में, राधिका जी सभी लोग बताएंगे, प्रेम कोरी जी, है ना। 1500 में 12 महीने के इस कोर्स में एडमिशन लेना, अगर आपको लेना है तो फटाक से ले लें, अभी न्यू बैच भी चालू हुआ है ना, हिंदी भाषा चल रहा है, देवनागरी आदिकाल इस प्रकार से चलेगा। तो अभी आप चूके नहीं हो, अभी दोस्तों आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां भी आपको बताना है हिंदी में अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, ये भी अपन को याद करना है। और आपका उत्तर है कि सर वो परीक्षा गुरु है, 1882 हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। परीक्षा तो गुरु निवास पर ही होगी, परीक्षा तो गुरु निवास पर ही होगी, है ना। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक का नाम क्या है? इतना अच्छा क्वेश्चन है, रमा शर्मा जी, तन्मय जी सभी लोग बताएंगे, उत्तर बताना है, शेयर भी कर देना है सभी लोगों को। और बढ़िया सा क्वेश्चन है, पूजा देवी जी, राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था राजा निर्वसिया, और उत्तर यहां पर 23 नंबर में चयन करना है, 23 का आंसर है। और जनता जनार्दन देखते हैं कहां जा रही है, जनता जनार्दन का मत जा रहा है कमल की ओर, कमल की ओर जा रहा है, तो कमल से कमलेश्वर, है ना। बोले सर कमल का ही राजा बनाएंगे, कमल का राजा मन बसिया, निर्वसिया मन बसिया कमल का राजा, तो कमल से कमलेश्वर, और मन बसिया राजा या निर्वसिया राजा, तो अपन ये नंबर लगा देंगे, क्लिक कर देंगे, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा। बंग महिला का असली नाम क्या था, बंग महिला का, 24 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताना है, बताइए मंजू जी, पुष्पा जी, पुनीत शर्मा जी, पूनम तन्मय जी, सभी लोग बताएंगे बंग महिला का असली नाम क्या था। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और इतना अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया है तो बिल्कुल भी, हाँ वैलेंटाइन डे पर क्या देना है, कमल देना है। अब की बार जब वैलेंटाइन डे आए तो कमल देना है अपन को, क्या देना है, कमल, ठीक है। अभी गुलाब के, गुलाब का बोले सर हम परेज करेंगे, लाल गुलाब का परेज करना है और वैलेंटाइन डे पर कमल देना है, ठीक है, सभी लोग हैं मंजूर, कमल, कमल बोले सर वैलेंटाइन डे पर हम कमल देंगे, कमल, ठीक है। तो बंग महिला का सी नाम राजेंद्र वाला घोष, बी नंबर आपका करेक्ट है। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है, कलम का सिपाही पूछा है, कलम का मजदूर नहीं पूछा है, सिपाही पूछा है, जल्दी से बताइए। और उत्तर कहां जा रहा है, जनता जनार्दन कहां जा रहा है, जल्दी जल्दी से बताइए, है ना, बिल्कुल फटाफट से बताइए। संदीप जी कलम का सिपाही, इसके रचनाकार कौन है, जल्दी जल्दी से चयन करते हुए आगे बढ़ना है। विजय यादव जी, अर्पिता, गीता जी, जल्दी से बताओ, है ना। और कलम का सिपाही के रचनाकार आपने पूछा, बोले सर 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है। और कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक 25 में उत्तर जा रहा अमृत राय, कलम का मजदूर पूछा जाता तो क्या हो जाता, मदन गोपाल, मदन गोपाल, ठीक है। अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है,
अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक बताना, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। निधि जी सभी लोग बताएंगे, लाइक कर दें फटाफट से, शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक, ठीक है, बने रहना इसी प्रकार से। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है, 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। रोज रात्रि 9 बजे एक क्लास होती है ना, और 26 नंबर में आप लोग 26वां क्वेश्चन बताया, जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी, ठीक है, ये भी याद रखते ना। विश्वास मलिक जी, जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में माने जाते हैं। दूसरी परंपरा की खोज इसके लेखक कौन है, मुकुटधर पांडे हैं, रामविलास शर्मा हैं, नामवार से हैं, श्याम नारायण पांडे हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लाइक कर देना है सभी साथियों को। दूसरी परंपरा की खोज इस उपन्यास के लेखक कौन है, मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले व्यक्ति क्या चाहता है कि हम कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए और खूब पैसा कमाए। और जब पैसा कमा लेता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा नाम होना चाहिए, है ना, मोहल्ले में नाम होना चाहिए, शहर में नाम होना चाहिए। तो दूसरी परंपरा की खोज काय के लिए करता है व्यक्ति, नाम के लिए। तो नाम से, नामवार से, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा का नाम बताना है। अगर सीधा प्रश्न कहें तो बताना है कि मार्क्सवाद से प्रभावित कौन सा युग है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 28 में। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स, बहुत ही बढ़िया ट्रिकी नोट्स है, आप घर में मंगवा सकते हैं, घर में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको बताना है तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, 28 नंबर का क्वेश्चन, प्रगतिवाद यानी कि 1936 से लेकर के 43 का जो युग था वो प्रगतिवाद। प्रवर्तक कौन है, पंत जी प्रवर्तक माने जाते हैं इसके। ये लड़की किसकी रचना है, है ना, ये लड़की दीवानी, ये बताओ जल्दी से, ये लड़की आ गई, ये लड़की किसकी रचना है, बताओ, ये लड़की बताइए फटाफट से बताना है। और उत्तर क्या हो रहा है, बताइए जल्दी से, तन्मय जी बिल्कुल बताओ, ये लड़की किसकी रचना है, कमेंट में लिखना है जल्दी। तनु जी, वेद प्रकाश जी, और सर ये लड़की की बात मत करो, है ना, ये लड़की सोती रहती है। 29 नंबर का क्वेश्चन, ये लड़की सोती रहती है, कृष्णा सोपती, सी नंबर, ये लड़की सोती रहती है, सी नंबर हो गया। कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है, ये पूछा है, सांझी संस्कृति पर आधारित है, कौन सी कृति है। 30 नंबर का क्वेश्चन, कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है। इसे रोज 9 बजे वाली क्लास में आप लोग जुड़ा करें, ठीक है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना। और अगर आपको पैड क्लास में पढ़ना है जिसमें आपको विस्तृत पढ़ाया जाएगा, क्रमबद्ध पढ़ाया जाएगा, तो आप 1500 में 12 महीने की तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, कृष्णा सोपती की, संध्या यादव जी बताइए यहाँ पर, गुरप्रीत जी, कृष्णा सोपती की कौन सी रचना सांझी संस्कृति पर आधारित है, ये बताना है। उदय पटेल जी का उदय हो गया है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। और 30 नंबर में आपका उत्तर है कि सर जिंदगी नामा ये सांझी संस्कृति पर आधारित रचना है कृष्णा सोपती की। तो आपका उत्तर डी नंबर चला गया, कार्तिक सिंह जी ने बिल्कुल सही बताया। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास बताना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, बताएं जल्दी से, यहां पर क्वेश्चन आ गया है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, और ये कई बार आपसे पूछा गया है, तो बताइए। संगीता जी बोले सर हिंदी का पहला आंचलिक पूछा है, आंचलिक उपन्यास है कौन सा, मेला आंचल के रचनाकार कौन है, उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, ये उत्तर हो गया, बहुत बढ़िया। किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, लाइक करो। और मित्रों सभी साथियों को जिनको भी ये नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, ये दो पार्ट में नोट्स है, हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स बनाए गए हैं, ये नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हो अपने घर में रख करके, बहुत ही बढ़िया ट्रिक भी इसमें समाहित की गई है, है ना। तो जिनको भी ये नोट्स मंगवाना अपने घर पे मंगवा सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन, किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं, तब आपका उत्तर हो गया मराठी, और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, भी याद रख लेना है।
महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका विकास हुआ था, मराठी और कोंकणी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो यहां पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही है जो कि देवनागरी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा? अधूरा उपन्यास पूछा गया सेवा सदन है, कर्म भूमि गबन या फिर मंगल सूत्र है। बोले सर मंगल सूत्र की बात मत करो, मंगल के सूत्र में तो मंगल सूत्र के चक्कर में तो बोले सर है ना क्या क्या हो गया, बर्बाद हो गए। बोले कहा क्यों हो गए बर्बाद? बोले सर वो मत पूछो, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी भी कम था, है ना। तो ये अपन को याद रख लेना, अधूरा रह गया बोले सर मंगल सूत्र अधूरा रह गया, डी नंबर क्या करें, है ना। अगला है कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? 34 नंबर का क्वेश्चन है, कवि की प्रिया, कवि की प्रिया है ना। बोले सर कवि की प्रिया को केस पसंद है, गाना आया ना है ना, बेबी को बेस पसंद है, ऐसी कवि की प्रिया को बेस केस पसंद है, कवि की प्रिया को केस पसंद है, केस पसंद है। तो केस से क्या बनेगा, केस से क्या बनेगा भैया, केस से बनेगा केशव दास, ठीक है केशव दास, ये नंबर सही हो जाएगा, कवि की प्रिया को केस पसंद है, केशव दास हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका राइट आंसर और सही आंसर चला जाता है। कीर्ति लता के रचनाकार, कीर्ति लता, लता बताना है। बोले सर लता की बात मत करो, एक तो लात और दूसरी लता है ना, तो ये अपन को याद रख लेना है। उत्तर क्या हो जाएगा? बोले सर कीर्ति ने लात माली तो विद्या विद्या आ गई। बोले सर पूरी विद्या आ गई, मैंने कहा क्यों? बोले सर कीर्ति के चक्कर में कीर्ति ने लात मारी, पूरी विद्या आ गई, कि पहले क्या करो, पढ़ाई करो, अध्ययन करो, फिर बन जाओ, और उसके बाद है ना क्या करो, प्रेम करो, नहीं तो मंगल सूत्र अधूरा रह जाएगा, है ना। तो याद रख लेना कीर्ति लता, कीर्ति की लता, बोले सर कीर्ति की लता ने विद्या में लगा दिया हमें, विद्यापति, ठीक है, सी नंबर अपन को याद रख लेना है। अगला है रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, किसे माना, सभी लोग बताएं। मैं आपको बोलता हूं कई बार कि पहले पढ़ाई बन जाओ, कुछ पैसे कमाने लगो, उसके बाद क्या करना, प्रेम करना, उसके बाद शादी करना, और पहले ही प्रेम कर लिया तो इनमें से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो बताइए रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, 36 नंबर का क्वेश्चन है। वेद प्रकाश जी, विश्वास मलिक, पुष्पा जी, स्टडी विद जी बताइए, और एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक, अध्ययन करते रहिए, निरंतर अध्ययन के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में बढ़िया से बढ़िया दोस्तों यहां पर कोर्स लाए जाते हैं, बढ़िया सा बढ़िया पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो चयन करिए फटाफट से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि, बोले सर प्रथम कवि तो स्वयं, स्वयं यानी कि स्वयंभू, स्वयंभू 8वीं सदी के हैं, स्वयं बोले 8वीं में हम स्वयं पास हो गए थे, स्वयं हो गए थे पास, तो स्वयंभू, ठीक है, ये नंबर याद रख लेना, 8वीं सदी के हैं। प्रदीप जी, मौर विजय के रचनाकार कौन है? मौर विजय के रचनाकार आपको चयन करना, प्रियंका जी, सभी लोग बताएंगे, है ना। पूनम सैनी जी, 37 नंबर का क्वेश्चन है, जिनका जिनकी शादी हो गई है वो बिल्कुल मस्ती से पढ़े, बिल्कुल फुल टाइम पढ़े, है ना। आप चिंता काय की, है ना, अपन बोलते जय हो माई की तो चिंता काय की, ठीक है। तो मौर विजय, मौर विजय इसके रचनाकार, 37 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए राखी जी, कमलाकांत जी, सभी को आंसर बताना है, राहुल जी, सभी लोग बताएंगे। रोज 9 बजे एक क्लास होती है, आप लोग सीधे सीधे अटेंड किया करो, नहीं तो हम घर आ जाएंगे कि आप लोग अटेंड नहीं करते हो, है ना। तो विजय, मौर विजय के रचनाकार कौन है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, और 37 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर सिया राम की शरण में मौर की विजय हो जाती, मौर, मौर की विजय हो जाएगी, मौर की विजय हो गई, बोले सर, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था बताओ, जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो अपने घर में मंगवा सकते हैं, एक सप्ताह में आपके घर नोट्स बिल्कुल पहुंच जाएंगे, है ना, और हम ही छोड़ने आ जाएंगे कहो तो, इसी बहाने अपना मिलना जुलना भी हो जाएगा। बताओ पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, 38 नंबर का क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि आपको कभी पूछा नहीं गया था इसके पहले, बोले सर पढ़ा तो बहुत है लेकिन अब पूछा गया तो मजा आ रहा है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया सुनीता रानी जी, और इतने अच्छे क्वेश्चन में आप लोग अपना मत दो, मत और मत लगाओगे तो आपका उत्तर 38 नंबर के क्वेश्चन में, बोले सर 38 नंबर में पूछा है, उत्तर लगा दो कि नागपुर में हुआ था, नागपुर,
है ना, बी नंबर यहां पर नागपुर, नांग बहुत होंगे यहां पर इसलिए इसका नाम नागपुर रख दिया गया। उत्तर का विलोम क्या है, उत्तर का विलोम बोले सर उत्तर का विलोम प्रश्न उत्तम पूछा, सॉरी उत्तम पूछा है, उत्तम है ना, तो उत्तम पूछा है तो बताइए क्या हो जाएगा, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा। और मिला जी, विजय जी, सभी लोग बताएंगे, अजय कुमार जी, कुलविंदर जी, रिया जी, जल्दी जल्दी से बताओ, लाइक कर दो और शेयर कर दो, है ना, इतना अच्छा क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिलेगा। उत्तम का विलोम बोले सर उत्तम ही उत्तम है, और उत्तम ही उत्तम है तो उत्तम का अधम हो जाएगा, अधम मतलब होता है निम्न श्रेणी। आपने सुना होगा हनुमान जी ने कहा था कि मैं कहां अधम श्रेणी का बानर, है ना, विभीषण जी से कहा था, है ना, उन्होंने कहा कहीं आप तो नहीं हो राम, बोले नहीं 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 मैं कहां अधम श्रेणी का, है ना, मैं तो उनका सिर्फ भक्त हूं। तो उत्तम से क्या हो जाएगा, अधम, अधम यानी ए नंबर, है ना, कौन सा नदी का पर्यावाची नहीं। आपने देखा होगा महापुरुष अपने आप को बहुत नीचे रखते हैं, है ना, और लोगों को ऊपर उठाने का कार्य करते हैं, उठाने का कार्य करते हैं, ठीक है, कौन सा नदी का पर्यावाची नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। और एक बार जल्दी से शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो अपने मित्रों तक, कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पूछा है, नदी का ही बताना, नहीं तो कुआं का बताने लगो, आप लोग हम जानते हैं ना आप लोगों को, तो जल्दी बताइए नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सारिता, तटनी, अपगा या फिर तरणी, 40 नंबर के क्वेश्चन में। और आप लोग फिर बोलोगे सॉरी सर गलती से लिख गया, है ना, तो 40 नंबर का क्वेश्चन, और बोले सर इतना अच्छा क्वेश्चन, सरिता है, तटनी भी, अपगा भी, अपगा भी है, तो आपका उत्तर तरणी, डी नंबर सही है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, तरणी, डी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। लाइक करके शेयर किया करो, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते, रचना, रचना में कितने वर्ण आए, बोले सर तीन वर्ण आए, रचना में कितने वर्ण आए, तीन, रा चा ना, तो अब रचना में तीन वर्ण आए हैं तो रचना के आधार पर वाक्य भी कितने प्रकार के होंगे, 10 प्रकार के होंगे या फिर तीन प्रकार के होंगे, बताइए गीत संध्या जी, गीत जी बताइए, लखविंदर जी, राजकुमारी जी बताइए, आकाश जी, रचना के आधार पर बोले सर रचना पूछा है तीन वर्ण आए तो तीन ही प्रकार के होंगे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, नंबर करेक्ट, बहुत बढ़िया। उत्तर बंद कर दें, वेरी गुड, माधवा नल काम कंदला, ये किसकी रचना है, माधवा नल काम कंदला पूछा है, इतना अच्छा क्वेश्चन में आप लोग भी अपना मत प्रकट करेंगे, आप लोग भी अपना बताएंगे, माधवा नल काम कंदला कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, अब आपको लाइक करके शेयर भी करना है दोस्तों, है ना, और आज की जनसंख्या को 400 के पार पहुंचाना है, एक बार शेयर भी कर दो फटाफट से, इतना बढ़िया सेशन अपना चल रहा है, इतना बढ़िया आप लोग बता रहे हो, माधवा नल काम कंदला एक किसकी रचना, एक अच्छा क्वेश्चन, 42 नंबर के क्वेश्चन में सटीक आंसर बताया है। और बोले सर काम की बात, काम करते करते आलम खराब हो गया, आलम तो आलम से बनेगा आलम, डी नंबर आपका सही, आलम बिल्कुल सही है। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, फटाक से बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर रामकुमार वर्मा ने, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, 43 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इतना अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया तो उतना ही सुंदर सा जवाब आना चाहिए, बोले सर सुंदर सा बिल्कुल ठीक है, तो रीतिकाल, रीतिकाल श्रृंगार, और श्रृंगार तो बोले सर विश्व में होता है ना, विश्व में होता है, बोले सर महिलाओं की तो बातें ही मत करो सर, है ना, एक घंटे कहीं जाना तो एक घंटे पहले से बोलना पड़ता है कि वहां जाना है, ठीक है, तो यहां पर विश्वनाथ प्रसाद सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, श्रृंगार काल राइट आंसर है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो सभी लोग चयन करेंगे। 44 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे का है, नवीन का है, सोहनलाल द्विवेदी का है, इनमें से कोई नहीं 44 नंबर के क्वेश्चन में, सभी लोग बताएंगे, लाइक करना है, शेयर भी करना है, और इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, और इतने बढ़िया से क्वेश्चन आए तो आए तो आए काए आए बोले सर, इतने अच्छे क्वेश्चन, और आपको पता है श्याम नारायण पांडे यानी ये नंबर करेक्ट है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है तो ये नंबर करेक्ट है। साखी किसका संकलन है, साखी किसका संकलन, 45 नंबर का साखी बताना है, साखी बहुत ही अच्छा पूछा, कई बार पूछा गया। अब दोस्तों अगर आपको नोट्स मंगवाना है तो सीधे संपर्क कर सकते हो आप हमसे, नंबर लिखा है, सीधे हमसे बात कर सकते हो कि सर हमें भी नोट्स मंगवाना है, तो आप नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हो। अगर एडमिशन लेना है तो सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हो, नीचे नंबर लिखा है, और निरंतर अध्ययन कर सकते हो, 45 नंबर का क्वेश्चन है, और 45 नंबर के क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कि सर साखी जो रचना है वो विजय देव नारायण शाही की है,
डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर साही और यहां पर साकी, है ना, बहुत बढ़िया। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना? भूत के पांव पीछे, तो बताइए भूत के पांव पीछे रहते ना, तो बताओ क्या हो जाएगा यहां पर, चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक करना है, शेयर भी कर देना। भूत के पांव ये जो व्यंग रचना है, ये व्यंग रचना किसकी है 40 नंबर के क्वेश्चन में। अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और 40 में उत्तर चला गया हरिशंकर परसाई, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना धिमन जी। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी 47 नंबर का क्वेश्चन है। श्रीनिवास दास हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। नूतन ब्रह्मचारी, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, और आपको शेयर भी कर देना दोस्तों अपने मित्रों तक। आप लोग शेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा, है ना, मित्र भी खुश हो जाए कि चलो अपने मित्र ने कोई लिंक तो दी है साहित्य पढ़ने के लिए। इतना तो कर ही सकते हो मित्रों के साथ, ठीक है, तो बोले सर मित्रों के साथ कर सकते हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, उत्तर चला जाएगा कि सर नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप का इन्होंने संपादन किया था 1877 में, है ना, 1877 में दोस्तों, ये याद रखते ना, अपन ने याद किया था प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। महिला पुरुष कर्मियों के जीवन पर आधारित, जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? श्वेता जी बताइए, गिलोवल गांव का देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल या फिर जिंदा मुहावरे, ऐसे कितने साथी हैं हाथ खड़ा करके बताएंगे कि जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया। भैया क्यों नहीं किया ये बताइए, बताइए लेखराज जी, कार्तिक जी। 48 नंबर का क्वेश्चन, 48 में आपका उत्तर हो रहा है कि सर वो है गुनाह है बेगुनाह है, गुनाह है बेगुनाह है, विकास भाटी जी, गुनाह है बेगुनाह है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास अभी पूछा था आपसे 49 नंबर में, फिर से बता दो बोले सर कितनी बार पूछेंगे, तो मैंने कहा कि अपना नारा ही है कि एक प्रश्न को 50 बार पढ़ना है, 50 प्रश्नों को एक बार नहीं पढ़ना, ठीक है, 50 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना, एक किताब को 50 बार पढ़ना, ठीक है। तो ये नंबर मेला आंचल आपका सही है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। शतरंज के खिलाड़ी ये किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी रचना के रचनाकार कौन है? पूनम जी सभी लोग चयन कर, हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं, इसमें से आपको चयन करते हुए आगे बढ़ना है, लाइक करना। शतरंज के खिलाड़ी ये रचना किसकी है 50 नंबर के क्वेश्चन में, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर हो जाएगा कि सर शतरंज के खिलाड़ी इसमें आप तो, इसमें तो आप क्या लगा दें, क्या लगा दें 50 में, शतरंज के खिलाड़ी और 50 का पूरा बोले डी लगा दो सर, डी नंबर लगा दो प्रेमचंद, तो आपका लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, हिंदी का प्रथम रिपोर्टर लक्ष्मीपुरा के रचनाकार आपसे पूछा गया है, और जल्दी जल्दी से आंसर बताओगे तो फटाफट से दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लक्ष्मीपुरा और लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मी बताना है, लक्ष्मी तो सभी को चाहिए, लेकिन सर आज के इस प्रश्न में लक्ष्मी हमने क्या कर दी, शिव को दान कर दी, शिव को दान। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है दोस्तों लक्ष्मीपुरा, ये भी याद रखते ना, कभी कभी ऐसा भी आ जाता उल्टा चकरा भी घूम जाता, ये बताइए हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज में नाम आता है किसका, लक्ष्मीपुरा का। ठीक है, तो लक्ष्मीपुरा को याद रख लेना है, और दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसके रचनाकार कौन है, शिवदान सिंह चौहान, बी नंबर आपका करेक्ट राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखो, तूफानों के बीच 1946 में रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है, जल्दी से चयन करिए। तूफानों के बीच पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, और चयन करना है, साथ ही लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है दोस्तों, और उत्तर चला गया कि सर तूफानों के बीच राघव क्या करेंगे, राघव हमारी रक्षा करेंगे, राघव क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, तो रांगे राघव लगा दो, ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पिलाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पिलाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है, सभी लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिलाट का मोर्चा, और उत्तर कौन बता रहा है, पिलाट का मोर्चा जनता जनार्दन, कहां जा रही है जनता जनार्दन,
सर प्लाट के मोर्चा की बात कर रहे हो तो आप लगा दो तीन नंबर के क्वेश्चन में, क्या शमशेर, बोले प्लाट के मोर्चा में मोर्चा कौन संभाल रहा है, बोले बहादुर, बहादुर शेर संभाल रहा है, शमशेर संभाल रहा है प्लाट का मोर्चा, ठीक है। तो आपका बी नंबर कवियों का कवि ने कहा जाता है शमशेर बहादुर को, ठीक है। उसके बाद क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज के लेखक कौन है, चार नंबर का क्वेश्चन है क्षण बोले कण मुस्काए, बताइए मंजू जी, अमित सिंह जी, कुरैशी जी बताइए, चयन करिए मोहित जी, सभी लोग बताएंगे, सरिता जी, हरप्रीत कौर जी, क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज के लेखक कौन माने जाते हैं, मनंत जी बताइए, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, शमशेर बहादुर, उपेंद्र नाथ या फिर दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा, और क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए ये जो रिपोर्टाज है, और सर अगर कन्हैया जी के दर्शन एक बार हो जाएं तो क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्का जाएगा, यानी कि आपका उत्तर एक नंबर बिल्कुल सही है, क्षण बोले कण मुस्काए एक नंबर राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं फाइटर की डायरी 2013 रिपोर्टाज के लेखक कौन है, फाइटर की डायरी बताना है, फाइटर की डायरी देखते हैं कौन कौन बता पाता है, तनु जी बताइए, सुभाष चंद्र जी, एल डी प्रजापति जी, जल्दी बताइए फाइटर की डायरी 2013 रिपोर्टाज के लेखक कौन है, यूपी से रविशंकर जी, वेरी गुड रविशंकर जी, पांच नंबर का क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, पूजा देवी जी, अनुपम जी, वीरेंद्र सिंह जी, पांच नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है फाइटर, फाइटर कौन कर रहा है, फाइटर, बोले सर हम फाइट करते हैं किसके साथ, मित्रों के साथ, मित्रों के साथ हम फाइट सीखते हैं। तो मैत्रेयी पुष्पा इनका रिपोर्टाज है, कौन सा रिपोर्टाज है मैत्रेयी पुष्पा का, फाइटर की डायरी, फाइटर की डायरी डी नंबर बिल्कुल सही आंसर बताया नीता राजपूत जी, प्रीति पाल जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश की मिट्टी बुलाती है, बताओ देश की मिट्टी बुलाती है, ये बुलाती है रिपोर्टाज के लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर हैं, बताइए, बिल्कुल अध्ययन रुकना नहीं चाहिए, कुबेर जी, कुबेर जी आए बहुत दिनों में, शिकायत बहुत बढ़िया, देखो कितने दिन में आए हैं आज, देश की मिट्टी बुलाती है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, बलराम यादव जी, भदंत आनंद कौशलायन, उपेंद्र नाथ अस्के या फिर दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा, देश की मिट्टी बुलाती है तो चयन करना है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया ओजस्वी जी, सभी लोग बताएं, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, कुरैशी जी हॉस्पिटल में क्यों हो भैया, भदंत आनंद कौशलायन, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर, ठीक है, भदंत आनंद कौशलायन हो गए, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है, कुरैशी जी क्या हो गया भैया, विनोद कुमार, पूजा देवी जी, कुरैशी, मोहित जी, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर बंगाल का अकाल, अब देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता पाता है सात नंबर के क्वेश्चन में, चयन करके बताना है, प्रीति पुरोहित जी बताइए, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें आप लोग, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप तो डाउनलोड कर ही ले, बंगाल का अकाल ये जो रिपोर्टाज है, ये रिपोर्टाज के लेखक कौन है, सात नंबर का क्वेश्चन है, और साथ में आपका उत्तर होगा कि बंगाल के अकाल में बोले सर प्रकाश करना है तो प्रकाश चंद्र गुप्त, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है, 1971 में युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा आठ नंबर का क्वेश्चन है, बताइए पूर्वी जी, सभी लोग चयन करते रहिए, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज, इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, और आपका सीधा आंसर कहां जा रहा है बताएं, आठ नंबर के क्वेश्चन में, लाइक करना है सभी साथियों को, लाइक करिए, युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है, तो चार विकल्प हैं और आपने उत्तर लगा दिया कि सर धर्मवीर भारती हैं, है ना, सी नंबर धर्मवीर भारती आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। युद्ध यात्रा पढ़ने कल परसों ही पढ़ा था, युद्ध यात्रा है ना, युद्ध की यात्रा बोले सर ये भी धर्मवीर ही करते हैं, युद्ध की यात्रा कौन करते, धर्मवीर करते, धर्मवीर, ठीक है, युद्ध की यात्रा करते हैं करमवीर, धर्मवीर। अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, फीवर हो गया है, बहुत बढ़िया, अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, अच्छा कुरैशी जी, है ना, तो अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है, नौ नंबर का क्वेश्चन है, नौ नंबर में आपको बताना है, गुरप्रीत कौर जी, अर्चना जी, रानी तिवारी जी, चयन करिए,
अल्मोड़े का बाजार बाजार रिपोर्टाज, बोले सर आज तो रिपोर्टाज ही रिपोर्टाज है ना। तो यहां पर दिव्या जी आज कुबेर जी आए हैं ना, बहारो फूल बरसाओ कुबेर जी क्लास में आए हैं, है ना, इसलिए रिपोर्टाज ही रिपोर्टाज। ठीक है, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो अल्मोड़े के बाजार में भी हमें क्या करना है, प्रकाश करना है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, अपोलो का रथ रिपोर्टाज के लेखक कौन है, अपोलो का रथ ये तो कई बार पूछा गया, अपोलो का रथ अब आपसे बनेगा तो जल्दी से कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा। अपोलो का रथ इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। प्रकाश चंद्र गुप्त है, श्रीकांत वर्मा है, उपेन्द्रनाथ तस्के या फिर मैत्री पुष्पा है, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपोलो का रथ। और देखते हैं शांति वर्मा जी जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है, राइट करना है। और आपका उत्तर है श्रीकांत वर्मा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा बी नंबर करेक्ट और राइट आंसर है, बहुत ही बढ़िया आंसर है दीपक पटेल जी। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है, पेरिस के नोट्स, अब पेरिस के नोट्स पूछ लिया आपसे लखविंदर जी, अनिल तिवारी जी चयन करिए और फटाफट से आंसर बताना है, चयन करना है और पढ़ते रहना है, अध्ययन नहीं रुकना चाहिए, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, अध्ययन निरंतर चलना चाहिए। ठीक है, तो चयन करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कौन कौन क्या उत्तर लगाता है। पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक और पेरिस के नोट्स बोले सर राम कुमार वर्मा, इनका रिपोर्टाज है, सी नंबर आपका बताना है तनु जी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा। अंजू यादव जी नेक्स्ट बताइए, जहां फब्बारे लहू रोते हैं रिपोर्टाज के लेखक कौन है, जहां फब्बारे लहू रोते हैं है ना, तो ये आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, तो चयन करना है। ममता श्रीवास्तव जी, आरती वर्मा जी, जहां फब्बारे लहू रोते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, रिंकी वर्मा जी, अनुपम जी मिश्रा चयन करिए। और सभी लोग, हाँ बहुत बढ़िया, अनिल जी बोल रहे अंबेडकर नगर आ जाओ, बिल्कुल आएंगे भैया, क्यों नहीं आएंगे, बुलाओगे शादी में बुला लेना अनिल कुमार जी, आ जाएंगे हम लोग सभी है ना, जहां फब्बारे लहू रोते हैं है ना, ये आपको बताना है, 12 नंबर का क्वेश्चन है और 12 नंबर में आपका नासिरा शर्मा है, सी नंबर है। अनिल कुमार जी की शादी पक्की हो गई, सभी लोगों को पता है कि नहीं, देखो नासिरा शर्मा, जहां फब्बारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी के पास निमंत्रण आएगा, न्योता भी आएगा। ठीक है, जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है, जुलूस रुका है बताइए, प्रकाश चंद्र गुप्त, श्रीकांत वर्मा, नासिरा शर्मा, विवेकी राय, 13 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करना है और लाइक कर देना है, शेयर भी करना है अपन को। यहां पर ममता मेहता जी बताएं, जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक चयन करना है, बताना है जल्दी से बताइए, और जुलूस रुका है, लेकिन कैसे रुका है जुलूस, बोले सर बड़े विवेक से रुका है, विवेक से, तो विवेक से क्या हो जाएगा, विवेकी राय, विवेक से रुका है जुलूस 1977, विवेकी राय। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, ये स्वराज भवन रिपोर्टाज के लेखक कौन है, हमारे आएंगे बिल्कुल, हम लोग सभी शादी में आएंगे, अनिल जी की डांस करेंगे, आज मेरे यार की शादी है ना, ऐसे ही करेंगे ना, तो स्वराज भवन रिपोर्टाज के लेखक कौन है यदि बताओ, सुषमा मौर्य जी, ममता जी, अमित सिंह जी है ना, अध्ययन भी करना है, मनोरंजन भी करना है, जुलूस भी निकालना है और सभी ग्रुप में सभी का बिल्कुल बताइए, यहां पर स्वराज भवन, स्वराज भवन में बताना है, चयन करना है, लाइक करना है ना, और उत्तर यहां पर क्या जा रहा है, स्वराज भवन में, बोले सर स्वराज भवन की बात मत करो, यहां तो प्रकाश करना, प्रकाश, तो प्रकाश चंद्र गुप्त, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वराज भवन रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त है, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, याद रेहानी 2016, जिन भी साथियों ने अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया जल्दी से कर लें है ना, और दोस्तों जिनको एडमिशन लेना है अभी भी ले सकते हो, नया बैच चालू हुआ है अभी, तो हिंदी भाषा का चल रहा है अध्ययन,
तो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं है। नीतू गुप्ता जी बिल्कुल, अनिल जी चिंता नहीं करो, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी, ठीक है। याद रेहानी रिपोर्टाज के लेखक कौन है, अनिल जी एक बार बोले कि सर शादी की बात नहीं है, हमारा तो एक तरफा प्यार है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सफल होगा, अब सुजान के चक्कर में है। याद रेहानी रिपोर्टाज के लेखक कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन है 2016 का। याद रेहानी और याद रहेगी, याद रेहानी तो यार नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है, बोले सर कृष्णा अग्निहोत्री, याद रेहानी बहुत बढ़िया लखविंदर जी, कृष्णा अग्निहोत्री जी का रिपोर्टाज, रिपोर्टाज पूरे के पूरे रिपोर्टाज आपको याद होने चाहिए विनोद कुमार जी, ठीक है। बी नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है, सुनैना वर्मा जी, खून के छींटे बताइए, भगवत शरण उपाध्याय, कृष्णा अग्निहोत्री, नासिरा शर्मा या फिर विवेक की राय, जल्दी से बताइए फटाक से। अनिल कुमार जी बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा याद भैया अनिल जी, खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है, खून के छींटे जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, उतनी ही मजबूत होगी। पूजा देवी जी अभी से बता देना कितने लोग आ रहे हैं, नहीं तो वहां पर भोजन की व्यवस्था करवानी पड़ेगी बेचारे को। खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर के क्वेश्चन में बताना है खून के छींटे। और आपको मैंने कई बार बताया कि अगर खून के छींटे पड़ जाए किसी के ऊपर तो वो भागवत करवा लेता है, भागवत समझते, भागवत करवा लेंगे, बोले सर खून के छींटे पड़ गए थे तो भगवत शरणोपाध्याय, ये नंबर आपका भगवत शरणोपाध्याय बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आते हैं, एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है, एकलव्य के नोट्स एक अच्छा क्वेश्चन है बिंदु लता जी, बताइए सभी लोग बताएं, शेयर भी कर दो, स्टडी विद अजित जी बताइए, है ना। प्रियंका पांडे जी, पुराने स्टूडेंट, एक्सपायर हो गया है, फिर से बिल्कुल बिल्कुल ले लेना, बात कर लेना प्रियंका पांडे जी, है ना। बताइए यहां पर एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वरनाथ रेणु, नासिरा शर्मा, विवेकी राय, 17 नंबर के क्वेश्चन में, और देखते हैं कौन पढ़ रहा है यहां पर एकलव्य के नोट्स, रिपोर्टाज है और ये है ना एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज बताइए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये रिपोर्टाज है रेणु जी का, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। इनकी आज अपन ने कहानियां पढ़ी थी, एक कहानी पढ़ी थी इनकी, ठेस कहानी, बोले सर फणी वाले को ठेस मत पहुंचाना, फणी वाले को क्या नहीं पहुंचाना, ठेस मत पहुंचाना, अपन ने पढ़ा था ना आज, ठीक है। तो रेणु जी इनको अपन को याद कर लेना है, ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, धरती के लिए रिपोर्टाज, धरती के लिए बताओ कौन जरूरी है, धरती के लिए रिपोर्टाज किसका है, सभी को चयन करना है और सभी लोग बताएंगे धरती के लिए, धरती के लिए रिपोर्टाज, ये रिपोर्टाज किसका है, सभी को चयन करना है और अध्ययन करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, धरती के लिए बताना। भगवत शरण उपाध्याय हैं, रेणु जी हैं, कैलाश नारद हैं, विवेकी राय हैं, कौन माने जाएंगे बताओ। अनीता जी, दारसु शर्मा जी, सभी लोग बताएं, रानी तिवारी जी, धरती के लिए, धरती के लिए आपने कैलाश नारद बताया, कैलाश नारद, बोले सर धरती के लिए कैलाश, कैलाश पर्वत का होना एक गर्व की बात है, धरती के लिए गर्व की बात है, कैलाश, कैलाश का होना, कैलाश पर्वत का होना, ठीक है। यानी सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हेमलता जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ 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 की बाढ़ आ गई, बताओ रिपोर्टाज जल्दी से बताओ, बाढ़ बाढ़ बाढ़, विजय गुप्ता जी बताइए, रिम्पी जी, राजकुमारी जी बताए, शालिनी जी, स्वानी राय जी भी आए, बहुत बढ़िया। बाढ़ 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 रिपोर्टाज के लेखक कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। रचना गुप्ता जी, खाना बनाते हुए क्लास नहीं, बहुत बढ़िया, बनाओ खाना स्वादिष्ट बनेगा, बताएं। ममता रानी जी, जबलपुर से हम, जबलपुर एमपी, जबलपुर, यहां पर बाढ़ 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 रिपोर्टाज के लेखक आपको चयन करना, बाढ़ 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 की तो बाढ़ आ गई, बोले सर बाढ़ आ गई, लेकिन बाढ़ में अगर आपको विवेक से रहना है ना, अगर बाढ़ आ जाए तो थोड़ा विवेक से, है ना, अपने दोस्तों समझ से रहना है, विवेक से रहना है, तो बाढ़ 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 रिपोर्टाज विवेकी राय का है, डी नंबर है रिपोर्टाज की, तो आज बाढ़ आ गई, बाढ़ रेखा सरोज जी,
अगला क्वेश्चन है, रेखाएं और चित्र रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रेखाएं और चित्र मनप्रीत जी बताइए, मंजू जी, कमलाकांत, रचना गुप्ता जी, संदीप विश्वकर्मा जी, सभी लोग बताएंगे। यहां पर चयन करना है, आयुष सिंह जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर चयन करना है, लाइक कर दो जल्दी से, है ना। राखी जी बोल रही हैं, बाद शादी के बाद फैमिली में पिसना पड़ता है, कोई बात नहीं, ये तो परंपरा है ना, परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं, पिसना नहीं पड़ता, अगर पिसना पीसना पड़े तो वो शादी और परिवार किस काम का, है ना, परिवार और शादी और जीवन संगनी। अभी जब अपनी जवानी है, उम्र है, तो लगता है कि पिसना पड़ता है ना, बुढ़ापे में कोई पानी नहीं देता, सहारा नहीं बनता कोई। शादी एक पवित्र रिश्ता है, इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से जीना पड़ता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना, कई बार बताया था, ये फल मिल रहा है क्या मुझे, मैंने आपको कई बार बताया कि जिंदगी एक नाटक है, और नाटक में भगवान ने जो आपको पात्र सौंपा है, जो अभिनय सौंपा है, उस अभिनय को भली भांति करते जाइए, उस अभिनय को भली भांति करते जाइए, नहीं करते हो तब भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। यहां नहीं चलती आपकी कि नहीं हम नहीं करेंगे, यहां तो नहीं चलेगी, है ना, कुछ दिन तो चल जाएगी लेकिन ज्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। रेखाएं और चित्र रिपोर्टाज के लेखक कौन है? 20 नंबर का क्वेश्चन, रेखाएं और चित्र परिश्रम बड़े विवेक से बनाएंगे, विवेक से, तो विवेक की राय, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी रचना है, कौन सी है बताओ, कौन सा ग्रंथ है वो बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताना है। पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, कमाइए ना, सबको हाथ पैर दिए हैं, क्या नहीं दिया भगवान ने, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो आंखें दिए हैं, है ना, जिनके दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, वो भी अपन से आगे हैं, क्यों रो रहे हैं, नसीब का नहीं रो, किसी का रोना मत रो, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, वंदना सोनी जी जल्दी बताइए, सुनैना वर्मा जी, हाँ नकल करके दे रही हूँ, कोई बात नहीं, नकल करते जाओ, अकल तो लगा रही हूँ कम से कम। तुलसीदास की काव्य कला, काव्य कला की सबसे मधुरतम कृति अभिव्यक्ति कौन सी मानी जाती है, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और लाइक करके शेयर भी करो प्रेम कोरी जी, और आपका उत्तर है वो गीतावली है, गीतावली इनकी दोस्तों काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है, गीतावली है, गीतावली जूते ज्योति वासुदेव जी बी नंबर जिन्होंने लगाया है, नीलम वर्मा जी उनका बिल्कुल सही है, काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति गीतावली बी नंबर करेक्ट आंसर है। रामचरितमानस लगा रहे बहुत सारे लोग, नहीं लगाना भैया, बी नंबर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? शिवराज भूषण, इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि शिवराज भूषण में कितने, बताइए निम्न में से बताइए किस ग्रंथ में 105 अलंकारों का वर्णन है, या क्वेश्चन आ जाए कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है, तो आपको बताइए कि सर शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन है, है ना, ये अलंकार ग्रंथ है, ये भी याद रख लेना, शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, कितने अलंकारों का वर्णन है, 105 अलंकारों का वर्णन है, ये भी अपन को याद कर लेना है। उसके बाद शिवराज भूषण की बात करें तो ये भूषण के, इसके रचनाकार भूषण है, भूषण का दोस्तों वास्तविक नाम था घनश्याम, इनका वास्तविक नाम क्या था, घनश्याम, इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो आपको पता होनी चाहिए कि सर इनको जो भूषण की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, बताइए, किसी को पता है तो कमेंट में लिखिए फटाक से। रीति रात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीन नंबर का क्वेश्चन है, रीति रात्मा काव्यस्य, इतना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपने कभी नहीं देखा होगा, रीति रात्मा काव्यस्य, अपन ने पढ़ा है कि सर रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, बामन, क्योंकि बामन रीति रीति से क्या करवाते, पूजन पाठ करवाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर रीति रात्मा काव्यस्य अगर आपसे पूछा है तो फटाक से कमेंट में लिखिए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बोले सर रीति की बात तो बामन करते हैं, बहुत बढ़िया श्वेता जी, सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी, यहां पर आपका उत्तर रीति रात्मा काव्यस्य, यानी कि दोस्तों काव्य की आत्मा रीति को मानने वाले जो विद्वान है वो विद्वान है बामन, जिन्होंने रीति संप्रदाय की स्थापना की थी, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं,
कुंतक आपको पता है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, भामय की बात करें तो ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर फिलहाल बी नंबर ए नंबर सही है, बामन सही है। ठीक है, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है, अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? अर्थ जी बताइए, पूनम जी, आरती वर्मा जी, गुरप्रीत जी, पवन सिंह जी, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, हिंदी साहित्य के अपने घर मंगवा सकते हैं। 6-7-8 दिन में आपके घर में दोस्तों ये नोट्स पहुंच जाएंगे, तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो, है ना, ऐसे हाइलाइटर से पढ़ोगे तो और मजा आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है, ये जिनको भी नोट्स मंगवाना है, जिन भी साथियों को ये नोट्स दोस्तों हिंदी साहित्य के आप मंगवा सकते हो, 2 पार्ट में ये नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, आप अपने घर मंगवा सकते हो, 1 सप्ताह में आपके घर दोस्तों पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है, केशव दास है। केशव दास की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1555 में जन्म हुआ था केशव दास का। ठीक है, नगेंद्र ने दोस्तों इन्हें क्या माना है, रीति काल का प्रवर्तक माना केशव दास को, तो यहां पर उत्तर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है, रीतिकालीन राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि कौन है, राष्ट्रीय कवि कौन है? सौरभ वर्मा जी बताइए, अमित सिंह जी, ममता जी बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आयुष जी, राजकुमारी जी, संतोष जी, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भावना सैनी जी, जसवीर जी, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने उत्तर क्या लगाया, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि, तो बोले सर भूषण है। कौन है? भूषण, भूषण है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं मानी जाती हैं भूषण जी की, रीति काल के दोस्तों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। कौन? भूषण। आपको पता है कि रीति काल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ ने, और श्रृंगार काल को उन्होंने 3 काव्यधाराओं में बांटा था, ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जिनमें से रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन? भूषण, और ये राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं दोस्तों। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हित तरंगणी के रचनाकार कौन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, बीना चौहान जी, अनीता सिंह जी, आंसर बताना है, शेयर भी कर देना अपने मित्रों तक, और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक करना है, शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। हित तरंगणी, हित तरंगणी, बोले सर हित तरंगणी पूछ रहे हो, तो हित तरंगणी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन, इतना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, अगर कृपा राम की होगी तो हित ही हित होगा, अगर कृपा राम की होगी तो हित हित होगा, हित होगा तो हित तरंगणी, ये नंबर आपका सही है, कृपा राम, हित तरंगणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इश्क लता की रचनाकार कौन है, इश्क लता किसकी रचना है? अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर एक होता है इश्क नामा, इश्क नामा, ठीक है, और इश्क चमन भी एक रचना है, इश्क चमन, ठीक है, इश्क चमन नागरी दास की रचना है, नागरी दास की है, इश्क नामा बोधा की रचना है, इश्क में नाम पड़ गया बोधा, ठीक है, और इश्क लता, इश्क की लताएं कैसी हैं? बोले सर इश्क कर ना हो कर ले, ये इश्क के चक्कर में बोले सर सब बर्बाद है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी भी कम था। ठीक है, यही होता है ना, पहले कामयाब हो जाओ उसके बाद प्रेम करो, यही होता है, पहले प्रेम कर लेते हैं लोग, एक जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग पहले प्रेम कर लेते हैं बाद में कामयाब नहीं हो पाते, पहले कामयाब हो फिर प्रेम करो, जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो इश्क की लता घनानंद, इश्क की लताएं कैसी हैं? घनी है, घनी, ये नंबर करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, घनानंद हो जाएगा। ठीक है, अंग दर्पण की रचनाकार कौन है, अंग दर्पण बताना है, सभी लोग बताइए, रसलीन है, सेनापति है, मतिराम या फिर कृपा राम है, तो बताएं सही आंसर, अंग दर्पण में आपको पता है युवा हैं कई बार अंग अपने देखते हैं, अंग देखते हैं कई बार, है ना, और दोस्तों सोचते हैं कि भगवान ने मुझे सबसे सुंदर बनाया है, भगवान ने मुझे सबसे सुंदर बनाया है, बोले हमारे जैसा तो कोई नहीं है, तो अंग दर्पण में देख देख रस लीन, अंग दर्पण में देख देख रस लीन, रस लीन,
तो ये अंग दर्पण के रचनाकार कौन होंगे? रसलीन होंगे कि सेनापति? बोले नहीं सर, अंग दर्पण में देख देख रसलीन। ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया आंसर। अगला देखो, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। डीसीपी क्लासेस जी, पूर्वी संदीप जी, सभी लोग बताएंगे, ममता रावंत जी, लाइक करना है सभी को, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। जिनको भी एडमिशन लेना है, हिंदी साहित्य को बढ़िया मजे से पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो एक अच्छा सेशन अपना चलता है यहाँ पर। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? एक अच्छा क्वेश्चन है, किस ग्रंथ पर लिखी गई सर्वाधिक टीकाएं? ये हिंदी साहित्य है दोस्तों, साहित्य में जितना भी जो कुछ आता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, यहाँ हर प्रकार की बात होती है, यहाँ हर चैप्टर की बात होती है, ठीक है। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई बिहारी सत्सई, ठीक है, बिहारी सत्सई की टीका लिखी। और आपको एक और बताना है कि लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सत्सई की टीका किसने लिखी? एक क्वेश्चन और आता है, रामचंद्रिका नाम से बिहारी सत्सई की टीका किसने लिखी? है ना, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सत्सई की लिखी गई, है ना, और बिहारी सत्सई के लेखक कौन है? बिहारी हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने गागर में सागर भरा, 713 दोहे बताए जाते हैं इसमें, ये भी अपन को याद कर लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? बताइए संतोष जी, चयन करना है जल्दी, बहुत बढ़िया। डीके किशोरी लाल सिंह जी ने बताया सर, लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी थी, बहुत बढ़िया। बताएं यहां पर भावना गंगवार जी, पुष्पा जी बताएं, चयन करना है, रावंत जी, प्रजापति बताओ, विजय यादव जी, 10 नंबर का क्वेश्चन और इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आलोक यादव जी, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? इतना बढ़िया क्वेश्चन, और उत्तर चला गया कि सर रामचंद्र शुक्ल लगा दो, रामचंद्र शुक्ल लगा दो, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये नंबर चयन करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बताओ जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? वो यहां पर क्वेश्चन आया है, जयशंकर प्रसाद का जन्म बताना है कब हुआ था, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 1889, 1889, 1850, 1895, 1876, तो बताएं यहां पर जल्दी से बताएं जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? एक अच्छा क्वेश्चन है, और आपका उत्तर होता है कि सर शंकर यहां आया, शंकर नाम आया, तो शंकर जी को शीश नवासी से क्या हो जाएगा? 1889। राम नरेश त्रिपाठी का 1889, माखनलाल चतुर्वेदी का 1889, ठीक है। तो यहां पर प्रसाद का भी 1889, प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, इलाचंद जोशी ने इनको छायावाद, अभी दिल्ली डीएसएसबी में आया था एक क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, तो आपका उत्तर था इलाचंद्र जोशी ने। यहां पर ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मुकुटधर पांडे का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछ लिया गया, अब बताओ ये मुकुट जो सामने दिख रहा है, ये मुकुट कितने का है? बताओ कितने का मुकुट है? ममता जी, मंजू जी, आराधना जी, आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएं, चयन करिए, मुकुटधर पांडे जन्म कब हुआ था इनका? बीनू जी बताइए, अनिल तिवारी जी, सुषमा जी बताइए, अंजू यादव जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक माना, इन्हीं मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, इन्हीं मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। तो ये मुकुटधर पांडे हैं जिनका जन्म हुआ था 1895 में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जाए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? आयुष सिंह जी संपर्क कर सकते भैया नंबर पे, डीसीपी जी, मुकेश जी, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, विस्तृत नोट्स हैं, तिरकी नोट्स हैं, बढ़िया नोट्स बनाए गए, सरल भाषा में नोट्स हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंखों में पानी, तो ये जो पंक्ति है
ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है ना, और ये पंक्ति किसकी है, ये क्वेश्चन भी आपको चयन करना है। और बोले सर ये जो मैथिली शरणगुप्त हैं जिनका जन्म 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था, जिन्हें भारत भारती रचना की प्रसिद्धि के कारण, ये भारत भारती 1912 इसकी प्रसिद्धि के कारण इनको मिला था, इनको दोस्तों राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, मिट्टी की बारात, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताना है। मिट्टी की बारात के रचनाकार शिव मंगल सेन सुमन, अमृत राय, धनपत राय, श्रीपत राय, बताएं। 14 नंबर का क्वेश्चन है और इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और कोई नहीं पूछेगा आपसे, आज हमने आज से आपसे पूछा इतना अच्छा क्वेश्चन, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात। और ये मिट्टी की बारात क्वेश्चन कई बार आता है, इसको कोई पुरस्कार भी मिला है, किसी को पता है? बलजीत जी बताएं, अनीता जी, और सर मिट्टी की बारात की बात कर रहे हो, तो मिट्टी की बारात यहाँ पर हो जाएगा शिव मंगल से सुमन, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर देखते हैं राहों के अनिवेशी किसे कहा जाता है, राहों के अनिवेशी, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर के क्वेश्चन में, तो बताइए राहों के अनिवेशी, बताओ, चयन करिए जल्दी से, शेयर भी करिए। सुनील तिवारी जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, ज्यादा फीस नहीं भरनी आपको, 1500 फीस, मात्र 1500 फीस में आपको एक साल पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। तो राहों के अनवेशी किसे कहा जाता है, तार सप्तक के कवियों को, स्वच्छंदतावादी कवियों को, छायावादी कवियों को, या फिर हालाबादी कवियों को, राहों का अनवेशी किसे कहा जाता, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है और आप बता दोगे तो क्या चला जाएगा। और इसे तार सप्तक के कवियों को, चार सप्तक प्रकाशित हुए दोस्तों, आपको पता होगा कितने, चार, सबसे पहले प्रकाशित हुआ 1943 में, फिर प्रकाशित हुआ, फिर कब प्रकाशित हुआ, बोले सर फिर प्रकाशित हुआ 1900 दोस्तों, कब प्रकाशित हुआ, 51 में, ठीक है, फिर प्रकाशित हुआ 1959 में, फिर प्रकाशित हुआ 1979 में, ठीक है। तो ये तार सप्तक के कवियों को, ये नंबर है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आता है, अगला आता है, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, या फिर दोस्तों कुछ और कविताएं, बताइए। हाँ दीपिका जी, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जल्दी से बताना है, चयन करना है और लाइक कर देना है यहां पर, बताइए। ममता रानी जी, रश्मि जी, भारती यादव जी, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1977, और उत्तर चला गया, बोले सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समय देवता ये कविता किसकी है, समय देवता कविता किसकी है, चयन करिए। समय देवता कविता के रचनाकार कौन है, गिरजा कुमार माथुर, मंगलेश डबराल, दुष्यंत कुमार, या फिर मुक्ति बोध। समय देवता पूछा गया, इतना अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, और समय देवता कविता के रचनाकार कौन है, तो देखते हैं, बताइए। समय देवता कविता पूछा गया, एक कविता है, कौन बता रहा 17 नंबर का क्वेश्चन, तो आपका उत्तर है गिरजा कुमार माथुर। समय देवता कविता पूछा गया है, कविता में गिरजा कुमार माथुर, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही है। एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है, एक नीली आग, बताएं, एक नीली आग कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद हैं, मुक्ति बोध है, निराला, या फिर अज्ञेय हैं। एक नीली आग कहां जलती है, एक नीली आग,
एक नीली आंख पूछा, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों अभी तक? ऐप डाउनलोड कर लेना है सभी साथियों को, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है? और नीली नीली आग जलती है कब? बोले जब मुक्ति हो जाती है। जब मुक्ति हो जाती है तो नीली नीली आग जलती है। 1917 में जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्ति बोध को। याद किया था अपन ने कि 17 देवता नहीं पूजना है, गजानन को पूजना है, है ना? 17 देवता नहीं, गजानन को पूजो। तो मुक्ति बोध का जन्म हुआ था 1917 में। अगला क्वेश्चन, कर्फ्यू नाटक के रचनाकार कौन है? 19 नंबर में कर्फ्यू बताना राजकुमारी जी, सभी लोग बताएं, चयन करिए जल्दी से कर्फ्यू। कर्फ्यू के रचनाकार कौन है? प्रियंका कौर जी, कार्तिक सिंह जी, सिद्धि एजुकेशन, सभी लोग बताएंगे, शेयर भी कर देंगे अपने मित्रों तक, चयन भी करना है दोस्तों। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कर्फ्यू आपको पता है, मैंने आपको बताया कि अगर लक्ष्मी नारायण और लाल यहां से निकल जाए अपने रोड से तो क्या लग जाएगा? बोले सर यहां से निकल जाए तो कर्फ्यू लग जाएगा, है ना? कर्फ्यू, कोई सामान्य सा नेता निकल जाता है तो कर्फ्यू लग जाता है। आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। खूबसूरत बहु नाटक के रचनाकार कौन है? खूबसूरत बहु नाटक के रचनाकार कौन है? नागबोडा से, बाल मुकुंद गुप्त है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी या राजा लक्ष्मण से? बीस नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। खूबसूरत बहु नाटक के रचनाकार कौन है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है। और अपन ने पढ़ा है कि सर खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया, नांग ने डस लिया, ये चित्र में देखो नांग ने डस लिया, तो नांग से क्या हो जाएगा? नांग बोडस, खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया, नांग बोडस, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अनीता जी, लखविंदर जी, बहुत बढ़िया है दोस्तों, इतनी शिद्दत के साथ आप लोग देखते हो, है ना, अपने परिवार वालों अपने साथियों को दोस्तों ये शेयर करते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना अगर आपको दोस्तों पढ़ना है, ठीक है, लाइव क्लास में पढ़ना है और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो नोट्स भी मंगवा सकती है, नंबर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और नोट्स अपने घर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बीनू जी, अमिता जी, नीलम जी, नीतू जी, विकास जी, अनुराग, लेखिका दारसु जी, नीतू जी, ज्योति अमन, रागनी जी, सरबजीत जी, बिंदु रानी तिवारी जी, श्वेता जी, है ना, अनुका बालिया जी, ठीक है, विनय सरोज जी, अरुण जी, मंजू बीनू, मंजू जी, दारसु जी, ठीक है, राखी जी और बलजीत जी, रजनी जी, वीरेंद्र पटेल जी, प्रमोद जी, रावंत दारसु, बहुत बढ़िया, सुरेंद्र जी, राजीव जी, सुनील जी, जसमेल जी, दिल सेहत जी, अनीता जी, दीपक जी, श्वेता जी, राजकुमारी जी, ममता जी, हरप्रीत, रेखा जी, सुनील भंडारी जी, सुनील जी, ठीक है, राजीव जी, कार्तिक जी, शिल्पी जी, रचना जी, ठीक है, रोली सिंह जी, दारसु, सभी साथियों को धन्यवाद, मुकेश जी, ममता, लखविंदर जी, जसमेल जी, लवली ठाकुर जी, राजीव जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, ठीक है, संदीप सिंह जी, बिल्कुल संदीप सिंह जी, बिल्कुल ले लिया नाम, ममता जी, ठीक है, नीलम, हरप्रीत जी, कमलाकांत, आराधना पाल जी, जसबीर जी, अस्मिन जी, संदीप, रीमा जी, हरप्रीत जी, दीक्षा जी, रजनी जी, ठीक है, डीसीपी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को, रीमा यादव, अंजू यादव जी, ठीक है, मुकेश जी, आयुष जी, और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लाइक करते रहें दोस्तों, और शेयर भी करते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है, 10 बजे एग्जाम पार में, एग्जाम पार में भी एक हिंदी की क्लास होती है, उसमें जरूर पढ़ें, ठीक है। मंजू लोधी जी, ममता मीना जी, सीलू जी, संदीप जी, ठीक है, माया राम जी, सुनील तिवारी जी, ठीक है, राजकुमारी जी, बीनू, मंजू, रेखा जी, सुनैना वर्मा जी, सभी साथियों को धन्यवाद, विकास भाटी जी, रिम्पी जी, दीपिका तनी जी, है ना, स्वन प्रजापति जी, विश्वास मलिक जी, श्याम लता जी, विजय लक्ष्मी जी, ममता जी, प्रेम कोरी जी, अलका जी, सुनीता कुमारी जी, सभी को धन्यवाद, जय।